टिकटॉक का लोगो सिर्फ एक म्यूजिक सिंबल नहीं है, असल में ये अंग्रेजी का डी लेटर है। जब 2016 में इसे पहली बार बनाया गया था तो ऐप का नाम अलग से शुरू किया गया था, तब उसका नाम था जोइन। तब से लेकर अब तक लोगो में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बस छोटे छोटे रिविजन किए गए हैं। एक अनाम डिजाइनर ने इसे तैयार किया था, जिसे एक कंसर्ट देखने के बाद इसकी इंस्पिरेशन मिली थी। ये अब सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला लोगो बन गया है और इस ऐप के 1.1 बिलियन मंथली यूजर हैं। इसके लोगो का टिकटॉक नाम से कोई रियल लिंक नहीं है। हम सब स्टारबक्स की मशहूर मरमेड को पहचानते हैं, लेकिन उसमें भी एक सीक्रेट छुपा है। जब स्टारबक्स की क्रिएटिव टीम इसका लोगो डिजाइन कर रही थी तो वो बला की खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि उसको देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था। वो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोबोट या दूसरी दुनिया का कैरेक्टर हमारे जैसा बना हुआ है। टीम ने गौर से देखा तो पाया कि उसका फेस हम इंसानों की तुलना में कुछ ज्यादा ही परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। अब उसके चेहरे को नजदीक से देखें। गौर से देखें, दाहिनी तरफ ज्यादा शैडो है और इस साइड पर नाक भी थोड़ी डिप कर रही है। टीम ने इसकी खूबसूरती को कम कर दिया ताकि वो ज्यादा अप्रोचेबल और फ्रेंडली दिखे। बाकी दूसरे ब्रांड के उलट ट्रेनर प्रोडक्ट बनाने वाली एडिडास के 4 अलग अलग लोगो हैं। इनमें 3 जानी पहचानी स्ट्रिप्स हैं और साथ में छुपे हुए सीक्रेट्स वाले अन्य 3 डिजाइन भी हैं। 3 पत्ती वाला डिजाइन दुनिया के 3 पार्ट्स का प्रतीक है, जहां पर आप एडिडास के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। 3 तिरछी स्ट्रिप्स एक पहाड़ जैसी दिखती हैं। ये मैसेज देती हैं कि चुनौतियों पर काबू करें और हर हाल में अपने गोल को पाने की कोशिश करें। आखिर में ये गोल वाला एक ग्लोब का प्रतीक है और बताता है कि ब्रांड कैसे चेंज को स्वीकार कर रहा है। सभी लोगो अलग अलग क्लोदिंग रेंज के लिए यूज किए जाते हैं। 3 स्ट्रिप्स सभी प्रोडक्ट्स पर रहती हैं। 3 पत्ती वाला लोगो कैजुअल अपैरल और शूज के लिए है। पहाड़ वाला लोगो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए बने कपड़ों पर होता है। और ग्लोब वाला लोगो वहां लगाया जाता है जहां ब्रांड फेमस डिजाइनर्स के साथ मिलकर प्रोडक्ट पेश करता है। एडिडास के कॉम्पिटिटर नाइकी के लोगो में भी एक सीक्रेट छुपा है। नाइकी का नाम ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री पर रखा गया है और ब्रांड के लोगो में बना स्वूश उसके पंख का प्रतीक है। आप लिटिल सीजर्स के लोगो में छोटी सी डिटेल को भी अनदेखा नहीं कर सकेंगे। लोगो में इस लड़के का चोगा देखें। बॉटम की लाइंस में बस एक रैंडम पैटर्न नहीं है, असल में ये बार बार LC लिखा गया है। समझे, LC मतलब लिटिल सीजर्स। इन लेटर्स को शामिल करने के लिए 2017 में डिजाइन चेंज किया गया था। इससे पहले बॉटम का ये पार्ट बस एक स्टैंडर्ड क्लासिक रोमन डिजाइन था। यूनिलीवर कंपनी, लिप्टन, डव और सभी की फेवरेट आइसक्रीम मैग्नम के साथ साथ कई अन्य ब्रांड्स की पैरेंट कंपनी है। इसका लोगो एक बड़ा यू अक्षर है, लेकिन पास से देखें तो आपको दिखेगा कि ये काफी सारे छोटे सिंबल्स से बना है। सभी आइकॉन बिजनेस के खास पहलू को दिखाते हैं, साथ ही कंपनी की स्थिरता के प्रति लगाव को भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक लिप्स का जोड़ा है जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी का प्रतीक है। डव फ्रीडम का सिंबल है, साथ ही एक क्यूट चिली पेपर यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को दिखाता है। इसमें कुल मिलाकर 24 छोटी पिक्चर हैं। देखें क्या आप उन सबको पहचान सकते हैं। स्टेपल्स ने 2019 में अपना लोगो बदला, लेकिन उनका पुराना लोगो हमेशा थोड़ा ज्यादा मशहूर रहेगा। लेकिन आज कई सालों के बाद मैंने जाना कि पुराने स्टेपल्स के लोगो में L असल में आधा खुला स्टेपल है। इसे 25 साल से भी ज्यादा वक्त तक यूज किया गया। नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल लोगो बीते दौर की फिल्म की रील जैसा है, जो नेट और फ्लिक्स को अलग करता था। कंपनी की शुरुआत काफी पहले 1997 में हुई थी, ये गूगल से भी पुरानी है। उन्होंने DVD रेंटल सर्विस से शुरुआत की, लेकिन स्ट्रीमिंग में स्विच कर गए। इतने सालों में होने वाले फैंसी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ कई सारे लोगो बदले गए। हालांकि अब ये पूरी तरह अलग दिखता है, लेकिन नेटफ्लिक्स का ताजा लोगो अब भी ओरिजिनल 1997 के आइकन की याद दिलाता है। ये एक रेड लेटर N जैसा दिखता है, लेकिन पास से नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 2 आउटर लाइंस मिडिल वाली लाइन से थोड़ी डार्क हैं।
ये उसे पुराने टाइम की फिल्म रील जैसा दिखाने के लिए है जैसा कि उनके ओरिजिनल लोगो में था। पॉपुलर चिप्स ब्रांड टॉसिटोस की ब्रांडिंग में कुछ फन इमेज छुपी हुई है। असल में इसके टी आई और टी दो लोग हैं जो टेबल पर बैठे हैं जो कुछ यमी चिप्स और साल्सा खा रहे हैं। बेसबॉल टीम मिलवॉकी ब्रीवर्स का पुराना लोगो एक बेसबॉल मिट की तरह लगता है, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे। जरा पास से देखें तो आपको दिखेगा कि पूरा लोगो एक एम और एक बी से बनाया गया है। वेंडी अपने लोगो से घर पर बने खाने की याद दिलाता है जो उसे ज्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल बनाता है। लेकिन इसे जूम करने पर एक और चीज आप देखेंगे कि इसमें एक छुपा हुआ मैसेज भी है। वेंडी के कॉलर पर नजर डालें तो आपको वहां मॉम लिखा नजर आएगा। वर्साचे का लोगो एक मेडुसा हेड है। फाउंडर गियानी वर्साचे ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर से इंस्पायर थे जो अपनी तरफ देखने वालों को पत्थर में तब्दील कर देता था। वर्साचे अपने कपड़ों में उसी मेडुसा की नजर का इफेक्ट डालना चाहते हैं, जिससे उनके कपड़े इतने ब्यूटीफुल और ब्रेथ टेकिंग बने कि लोग रास्ते में चलते हुए उन्हें देखने के लिए रुक जाएं। ठीक वैसे ही जैसे वे बुत में तब्दील हो गए हो। 1913 में डिजाइन किए गए ओलंपिक लोगों के 5 रिंग्स ने इसे एक सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स ब्रांडिंग बना दिया है। 1900 की शुरुआत में केवल 5 कॉन्टिनेंट थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया और अमेरिका। हर रिंग उनमें से एक को रिप्रेजेंट करता है। 1950 के दशक में यूएस के ज्यादातर जियोग्राफर्स ने अमेरिका को 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एंटार्क्टिका को भी इसमें जोड़ दिया गया, जिसे आज हम 7वें कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। लेकिन ओलंपिक्स ने 2 और रिंग जोड़ने के बजाय 5 रिंग्स को ही चुना। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड सर्कल के साथ सफेद कलर की बैकग्राउंड उस टाइम पर सभी कंट्री के फ्लैग के कलर रिप्रेजेंट करती है। जीन्स कंपनी लिवाइस को 1873 में स्थापित किया गया था और 1923 तक इसे टू हॉर्स ब्रांड के नाम से जाना जाता था। हर जीन्स पर जीन्स के साथ 2 घोड़ों की इमेज बनी होती थी जो पैंट को खींचकर फाड़ने की कोशिश करने जैसे बने होते थे। इस इमेज के पीछे आइडिया ये था कि 1880 और 90 के टाइम में लिवाइस के ज्यादातर कस्टमर अनपढ़ थे, यानी वे ना तो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। लेकिन लिवाइस कंपनी चाहती थी कि सबको पता चले कि उनकी जीन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्होंने पिक्चर ऐड की ताकि उसके पढ़ ना पाने वाले कस्टमर्स को ये बताया जा सके कि उनके पैंट कितने टफ हैं। विकिपीडिया का लोगो किसी उद्देश्य से अधूरा सा लगता है। ये पूरे विकिपीडिया प्रोजेक्ट की अधूरी नेचर को दिखाने के लिए बनाया गया है, यानी अभी और पेज ऐड किए जाने हैं और नई इन्फो रोज सामने आ रही है। सभी जिग्सॉ पीस पर जो इमेज बनी है वो भी अलग अलग भाषाओं में विकिपीडिया के फर्स्ट लेटर हैं। सबवे का लोगो एक खास उद्देश्य से बनाया गया है। वे सैंडविच शॉप में एंट्रेंस और एग्जिट की तरफ इशारा करते हैं। एरो इस बात को जोड़ते हुए भी स्पीड के आइडिया को समझाने में भी हेल्प करते हैं कि वे सबसे जल्दी खाना पहुंचाते हैं। फेडएक्स के लोगो में लंबे समय से एक ऑप्टिकल इल्यूजन छुपा हुआ है। अपनी दूरबीन को निकालें और ई और एक्स के बीच कोर से देखें, उसमें आपको एक व्हाइट एरो दिखाई देगा। इस एरो को साल 2000 में जोड़ा गया था, जिसका मकसद स्पीड, एक्यूरेसी और गंभीरता को दिखाना था। एनबीसी के लोगों में छुपे पिकॉक के कई सीक्रेट मायने हैं। जब लोगों को डिजाइन किया जा रहा था तब कलर टीवी की शुरुआत हो रही थी। नेटवर्क लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर की तरफ स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था, इसलिए उसने रेनबो पिकॉक टेल को लोगो में शामिल किया। डिजाइन प्राउड एज अ पिकॉक की पंक्ति से इंस्पायर था, जिसमें ये आइडिया प्रमोट किया गया कि एनबीसी अपने नए कलर सिस्टम को लेकर गौरव करता है। उसके 6 फैदर के 6 अलग अलग रंग नेटवर्क के 6 अलग डिविजन को दर्शाते हैं। 2D फ्रांस दुनिया की सबसे मशहूर बाइक रेस में से एक है और उसके लोगो में 2 छुपे हुए सीक्रेट हैं। पहला, उसमें एक साइक्लिस्ट की इमेज छुपी है जो लेटर R और U बना रहा है। साइक्लिस्ट एक साइकिल पर सवार है जो लेटर O बना रहा है। बाइक के सामने की तरफ सर्कल पीले रंग का है जो उसके स्वेटर वाले रंग का ही है जो रेस के विजेता को दिया जाता है।